27-28 जुलाई 2021 देश का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्त रमेश शर्मा। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट, क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन से वहां जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी के साथ मौसमी खबरों से अपडेट। कैसा बना हुआ है वर्तमान में मौसमी सिस्टम? दोस्तों उत्तर मध्य प्रदेश पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। संबंध चक्रवाती परिसंचरण औसतन समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। एक तरफ रेखा कर्नाटक तट से केरल तट तक फैली हुई है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियों की यदि हम बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना को जिससे बाकी ओडिशा, रायलसीमा और लक्षद्वीप में एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों मौसम विभाग का, वीडियो को शेयर कर ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, बढ़ा सके देश की सभी खबरों के साथ मौसमी खबरों से।